Hello everyone, welcome to the video. तो मेरे को कुछ माइन करने गए थे हम लोग कुछ टाइम के लिए, तो मेरा किस्मत तो फूटा, तो ये दोनों अच्छे लोग मेरी हेल्प करने आए थे. मेरे को तो एमरल्ड ही मिल रहे थे, अभी भी एमरल्ड ही मिल रहे थे. जब ये एमरल्ड ब्लॉक्स एचके मेरे को पिकेक्स देना थे वापस का पहले, तो एचकेएम के पास फॉर्च्यून है जो मैं हाँ सॉरी मैं तो गलत दे दिया. अरे यार ठीक रख ले क्या अच्छा ये क्या दिया है फिर, ये कौन सी पिकेक्स? अच्छा ये फिर दिया फिर. ले उठा ले उठा ले. तो एचकेएम से फॉर्च्यून उधार लेंगे हम, और उसका रेंट भी भरना पड़ेगा हमें. तो पहला ये एमरल्ड एक ही मिला. फिर यहाँ पे गए थे अपन, यहाँ पे भी एमरल्ड मिले थे मुझे सिर्फ एमरल्ड ही मिल रहे हैं अभी तक. ये वाली गुफा थी ना? हाँ इधर मुझे सिर्फ एमरल्ड ही मिल रहे हैं, वो एमरल्ड है. और उसके बाद मेरे को सिर्फ एक डायमंड मिला, बस एक डायमंड मिला. और वो बाकी किधर गए? अच्छा ये नीचे वाला, हाँ ये एक नीचे, हाँ एक एमरल्ड इधर पीछे. नहीं नहीं नीचे वाले चार जो मिले थे मेरे को वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा है. अच्छा तो और एक चमकी मेरी फाइनली मेरे को, ये मेरा पहला चार वाला जो मैंने खुद ढूंढा है. इसके इसका भी रेंट देना पड़ेगा ना तेरे को? ऑब्वियसली ब्रो मैं पिकेक्स यूज करूंगा क्योंकि किराया तो मेरे पास खुद का है. नहीं तो मैंने मेरा पिकेक्स लेके जा, फ्री में लेके जा. वाह ऊपर आके लेके जा. लेकिन वाह नहीं ये बिजनेस ऐसा नहीं चलेगा ऐसा, तुम बिजनेस तोड़ नहीं सकते लोगों का. डील के बीच में अलग डील लेके आ गया. 34 डायमंड हो गए, 23 प्लस जितना एक्स्ट्रा. इसके 23 मेरे थे. हां ये कौन से डायमंड है? मैंने चार ब्लॉक तोड़े ना अभी, मैंने काउंट ही दिखा लिया, वो 46 हो गए टोटल. इतना पता है एचकेएम को 5% यार, एचकेएम का 5%. अच्छा बाकी ये साइड है ना? नहीं ऊपर है, ऊपर है. ओ भाई दिखते कितना मिलता है. एक स्टैक तो आराम से होने वाला एचके मेरे पास. 5% तेरा फॉर्चून का हेल्प मैंने किया था. हाँ क्या बता? फॉर अ प्राइस ऑफ 15 डायमंड्स. अच्छा आई वुड एनचेंट पूरा आर्मर, फुल आर्मर एनचेंट करके देगा. फुल आर्मर पे लेवल 30 का होगा. आई वुड गिव यू एन ऑप्शन, तेरे को कौन सा चुनना है. तू हां बोले कि मैं एनचेंट तेरे को एक मिले चाहे दो मिले चाहे तीन. देख नहीं ना मेरे की, मेरे को भी डर लग रहा है. देख लावा उसके साथ 56 लेवल है भाई तेरे. उसको कुछ होना नहीं चाहिए, आराम करो, उसको कुछ होना नहीं चाहिए. 56 लेवल है उसका, मेरे को भी कुछ होना नहीं चाहिए. मेरा भी 38 लेवल है वैसे, तो 27. देख आराम करो, पानी भी नहीं डाल रहा, देख रहा है नजारे, देख रहा है भाई. अच्छा लावा है वो, हरा भी लोग ठीक है. आज के आई मीन फॉर द डील, पर उसके लिए पहले मेरे को लगता है सूट बनाना पड़ेगा. स्पेसिफिक थिंग मैं कौन से एन्चेंटमेंट टेबल से एन्चेंटमेंट करूंगा, विल यूज नहीं करने वाला. बुक नहीं, बुक से नहीं दे रहा कुछ. बुक से कुछ नहीं मिल रहा है तुझे, एन्चेंटमेंट टेबल से देने वाला हूं. स्कैम स्कैम नहीं, लाइक स्कैम हो गया जी. थिंक लाइक मजे की बात ये है, मैं सबसे गरीब हूँ और ये मेरे को लूट रहे आके. सबसे गरीब इधर मैं ही हूँ. देख 15 डायमंड में तेरे को एन्चेंटमेंट के साथ 3-3 लेवल लगते हैं एक सेल के एन्चेंटमेंट पे, ठीक है? हां मेरे को, मैं अपन चलेगा मेरे को, मैं इन्हें बता मेरे को बड़ा अच्छा एन्चेंट चाहिए. हाँ तो लाइक सब मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं वापस कर देगा मेरे को, फिर मेरे डायमंड वापस चाहिए. और मैं आर्मर भी रख लेगा मेरा, वन डे मनी बैक गारंटी. ओके हाँ ठीक है, पहले आर्मर मेरे को बनाना पड़ेगा. हाँ ऑब्वियसली. अच्छा मुझे लगा 15 डायमंड दूंगा, पूरा सेट बना के देगा भाई. अच्छा वो भी मैं ही दूंगा. आई मीन फॉर द डील. चलो मिलते हैं. फाइनली आर्मर बनाएंगे. देखो टोटल डायमंड्स के 64+29 डायमंड मेरी दिखाएगा. मैं बाय द वे नोविस मेरे लिए गिफ्ट छोड़ के गया, गोल्डन कैरेट्स और 50% का डिस्काउंट कूपन जो नोविस के स्पेशल मार्केट में काम आएगा. नोविस तेरे दुकान का नाम क्या है, मार्केट का नाम क्या है? नोविस डिसाइड नहीं किया हुआ है.
तो नोविस सुपरमार्केट खोलने वाला है सर्वर में, तो अपन नोविस के पास जाएंगे। पूरा धंधे वाला आदमी है वो, तो पता ही होगा तुम्हें, तो ज्यादा मैं बोल नहीं सकता हूँ। मेरा केक कौन खा गया? केक खा गया कोई? नहीं, मेरा केक खा गया हराम खोर जोर साले। मैं बोला ना वो ना, मेरा केक खा गया यार। मेरा टेबल, मेरा ऑफिस है यार, मिलने आने का था, तो थोड़ा सजाना पड़ेगा सामने से। अच्छा नहीं लग रहा मेरे को ये पत्थर साला। मेरी मधुमक्खी होता है कहीं उड़ के चले गए। यहाँ पे एक और रूम बनाऊंगा, एक्सटेंड करूंगा। एचकेएम मैं लूटने वाला हूँ, बट मैं आ रहा हूँ। मैं बड़े को केक क्यों दिया था यार, जब उसका डायमंड हो जाए तब वो काटेगा। हाँ ना यार, और एक लेके आता है। हाँ अभी सेलिब्रेट करना है। एचकेएम लेके आता हूँ। एचकेएम टूल्स बनाने के, मेरे पास एक पिकेक्स पड़ी है। ये क्या होता है? क्या बोल रहा है साले? प्लंबर बोल रहा है। प्लंडर क्या करना है? क्या प्लंडर करना है? किसका प्लंडर करना है बता? टाउन हॉल प्लंडर करना है। टाउन हॉल का मैनेजर ये घोड़े पे कौन आया टाउन हॉल पे? मैं हूँ। किधर है तू? पनीर मैं मेरे घर पे बाहर। टाउन हॉल का मैनेजर बाहर। तू बाहर निकल घर से। टूल्स रख देता। कौन चला मेरे पे? आ रहा हूँ भाई, मेरे घर पे आग लगा देगा क्या? आ रहा हूँ। उसने टीएनटी डाल दिया। मेरा दरवाजा रोज गायब होता है एक तो। कोई साले। यस सर, आप बहुत दूर से आए हो लगता है, घोड़े पे आए हो। मेरे टेबल पे रख देता ना यार। चल आ जा अभी इसको, ये जमीन पे पड़ा रहेगा अब वो। अरे ऊपर आ जा, ऊपर आ जा, टेबल पे आ जा। हाँ तो डील करनी है उसको, मेरे पास आना पड़ेगा टेबल पे मेरे बात करने को, ठीक है? ये अपना ऑफिस है। हाँ क्या डील लाए हो तुम? तू ही खा ले, तू ही खा ले केक। एक प्रैंक था तेरे लिए और एक लेके आया। प्रैंक था? ओ भाई ओपी भाई, मैंने पता बोला था कि मैं अभी ओपी नहीं बोलूंगा, तुम आराम करो। तूने देखा मेरा फ्रेम लगाया था? देखा? हाँ देखा ना, इतना प्यारा सा फ्रेम लगाया हुआ है यार। काम हो रही है वैसे, आप चाहिए तो आप यहाँ रात गुजार सकते हो। तो यार सच में वो ऐसा वो लगता है ना, सर पे ऐसा लगता है वो। हाँ। वो प्राइड्स के डब्बे ही वाले। और तू प्राइड्स के बेड पे सोया पता? एक तोड़ जाके उसका बेड ही तोड़ रहा है यार। मेरे पे साइन नहीं आया बनी, तेरे पे साइन आया क्या? क्या साइन? नहीं साइन नहीं है मेरे पे। मेरे पे भी नहीं है कोई ना, मैं लगा देगा। मेरे पे है साइन, रूस साइन है ना, मैं लगा देगा। जाना नहीं चाहिए ना इधर से लेके, किधर गया? हाँ मालूम हो गया, अभी हो गया। अबे एस दब गया, एस दब गया मेरे। तेरे घर में भूत रहता है भाई? आज जा गया तो भाई, इससे ज्यादा इससे बड़ा भूत क्या? ए मेरा ऑफिस है ये, क्या चाहिए बता? क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए बस। बिग बॉस का घर है अपना, बस मैं इधर। हाँ रहा है कि किधर टीएनटी लगेगा। ए बॉस के घर पे ऐसा कुछ नहीं चलेगा। चल मैं जाता है। चल बाय, थैंक यू फॉर द केक। अरे अबे कुछ मेन्यू वेन्यू बना के भेजो भाई, कैसे बिजनेसमैन हो? मेरा घोड़ा निक चुरा के भागा होगा 110%। एचके बोलो बोलो बोलो, अपने डील का क्या हुआ? आ जाओ आ जाओ, सब रेडी है भाई। तेरे को आना पड़ेगा ऑफिस में सर, देखो आके कलेक्ट कर लो ना, आना पड़ेगा सर, हमारा आना पड़ेगा भाई, सब सेटअप वर्क करके रखा है इधर, सब डील कैंसिल सर। अरे आते हैं मालिक, थोड़ा टाइम दो, एक तो लोहा पिघला ही रहे हैं। इधर रखता है मैं तुम लोग पे। लॉयर चाहिए? लॉयर तो मैं आता हूँ एज अ विटनेस। कागज लेके आओ। आंख से देख रहा है, आंख से नजर रख रहा है। मैं दिखूंगा नहीं लेकिन तेरे को। एक मेरे घोड़े से दूर रहा। पता नहीं मेरे घर पे कुछ डब्बे खोल बंद कर रहा था, मेरे को डाउट है। एचके मैं कमांड ब्लॉक डाल दूंगा, बता रहा हूं सर्वर पे। पीछे देखो, ओ भाई साहब टेबल पे बना के रख, पीछे देखो, पीछे रख, पड़ सब पड़ा है लेके जाओ भाई साहब। Nice, एक nice, ये बिल्ली कहाँ से आ रही है? सस्ती बिल्ली। एक सेकंड, इसने बिल्ली का सर पहना है, मतलब इसने बिल्ली मार दी? आराम घोर। ये मेरे में से चुराया करती है ना, मेरे में से चुराया। तेरे मुंह पे मार रहा है सर। बोला चोर आदमी है। पेमेंट पेमेंट तो ले ले। कहाँ है पेमेंट? डब्बा। अच्छा पेमेंट इनसाइड है, शेयर में पड़ा है। तब तक माल आ जाएगा, इसी डब्बे में छोड़ देना वापस, या फिर चढ़ा देना सेट पे। नहीं सर, आपका होना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है आपका डायमंड पिघलाने की जादू। ये कौन सा आदि मानव आया यार, कौन कौन आता जा रहा है? बाहर देखिए जनाब, बाहर देखिए यार, ये मेरा ऑफिस है, क्या है तुम लोग आते जाते हो यार, कोई तरीका है? देखिए सर, पूनम की रात है, बहुत शुभ रात है, आज आपके डायमंडमेंट चढ़ेगा इंशाल्लाह, बहुत खूब लगेगा। चलो चलो मैं भी चलता हूँ। अरे यार ये कहाँ से ये चूहे बिल्ली सो गए?
मेरा बैठे वो चल चल आजा आजा भी देखो क्या मिलता है। फिर मेरा भी 28 लेवल हो गया, मैं भी कुछ एंचेंट करके देख लूँ क्या। मैं एक सेकंड, मैं काम करता हूँ, मैं वो लेके आता हूँ, मेरी पिकेक्स ले आता हूँ, एटलीस्ट एक एंचेंट तो कर लूँ खुद से। टूल्स भी इंक्लूडेड थे भाई दादा। तुम लोग घर पे हो गाँव? वैसे एक्सपी फार्म की जरह मैं थोड़ा एक्सपी एक्सपी बाद में ग्राइंड कर रही हूं पहले। अरे मैं 28 लेवल हो गया हूं ना इसलिए। इधर 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 पुनी कुत्ता। अबे हां व्हाट, आ जाओ कूदो। हैव फेथ इन योरसेल्फ। नित्री तो एच के बनना पता है, म्यूजिक बजता है वो चार स्केलेटन वाला। टेना 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 क्या कर रहा है ये निक? पक्का निक और एच के। मैं तब तक एक्सपी ले लेता हूं, ये लोग नहीं सुधरेंगे। अबे स्पॉन कराओ ना जाके बेशर्मो। यहीं पे स्पॉन होते हैं भाई, यहीं खड़े रहना तेरे को। थोड़ा पास। ओ नहीं नहीं नहीं। चलो 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 चलो। चलो चलो। मैं सुना दिया नहीं। इधर हो। टाउन हॉल। इधर है। मुक ले ले यार। नहीं सर, आपको बाहर जाना पड़ेगा फिर एक बार। एंसर जिस तरफ मैं देख रहा हूँ उस तरफ खड़े हो जाइए। हाँ नजारा। और नजारे देखिए, हम हमें अंदर अपने मंत्र पढ़ने हैं। ओके सो प्लीज। ज्यादा हो गया, प्लीज अंदर नहीं देखना। ज्यादा हो गया ड्रामा बस कर। माइनक्राफ्ट आरपी, जीटी आरपी बच्चे खेलते हैं। माइनक्राफ्ट आरपी आज अपन जी अपन आ सकते हैं। जी जी ऊपर नहीं सर, फिर आप अंदर आपको वो दिख रहा है क्या कहते हैं उसे, नोबिस जी जहाँ बैठे हैं वहाँ देखिए। नोबिस किताबें पढ़ रहा है। हाँ देखते देखते इधर से कौन गया? वो इस कौन सा मंत्र पढ़ रहा है वो तो बताओ। लेट्स एन्चेंट योर। वो इस मंत्र तो बोल, आवाज नहीं आ रही है। ओम ब्रीम ब्रीम शुम शुम शाबाश शाबाश शुम। तो आपको हेलमेट मिल रही है सर, प्रोटेक्शन 4, क्या आप लेना पसंद करेंगे हेलमेट और प्रोटेक्शन 4? हां ओके सर। आपको क्या मिला साथ में? कॉम्प्लीमेंट्री कुछ नहीं मिला सर, अनफॉर्चूनेटली आपका नसीब। अबे यार, और आपको सेकंड एंचेंट मिल रहा है सर, फायर प्रोटेक्शन 3, क्या आप लेना पसंद करेंगे? नहीं 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 ओके फायर प्रोटेक्शन। तो फिर प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन जहां पे आपको मिल रही है प्रोटेक्शन 3। तू बता, आप बताओ यार, 15 डायमंड लियो, अच्छी चीज दो। ठीक है ठीक है। नहीं सर, आपके बूट से फायर प्रोटेक्शन 3 मिल रही है, मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप ये एंचेंट ले लीजिए। फायर प्रोटेक्शन कौन लेता है रे? सर बूट्स पे फायर प्रोटेक्शन बहुत काम होते हैं सर, आप लावा में गिरेंगे अच्छा। आप मर नहीं पाएंगे, आप अच्छा नहीं मरेंगे अच्छा अच्छा, पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इवेंचुअली मर जाएंगे बट थोड़े टाइम के जल्दी नहीं मरेंगे, लाइक दैट्स द थिंग। सो मेरा स्कैम हो रहा है जी। तेरा कौन सा है वो बता? फायर प्रोटेक्शन फॉर श्योर आपको सर, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री अनब्रेकिंग भी मिलेगा। सो ठीक है ठीक है, लगा दे लगा दो। इट्स अ डन डील, इट्स अ डन डील, लगा दो लगा दो लगा दो। सर फिर आपके लिए फिर से अनब्रेकिंग 3 मिल रही है सर, वी वुड नॉट रिकमेंड दैट। पजामे पे प्रोटेक्शन 4 मिल रहा है सर, क्या आप पसंद करेंगे? प्रोटेक्शन 4, यस 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 ओके गुड सर। मतलब पैसा लिया और मेरे से ही पूछ रहा है? नहीं सर, आपके ये रजामंदी में कोई चीज होती है कि नहीं होती है? सो प्रोटेक्शन 4 सर, कॉम्प्लीमेंट्री में आपको अनब्रेकिंग 3 मिला है सर। ओपी भाई नहीं बोलना था फिर भी निकल रहा है सर। आपके वेस्ट सुपर सर जो जो ये जो आपने हाथ में धरे सर, इस पे आपको फायर प्रोटेक्शन 3 फिर से मिल रहा है, क्योंकि आपको फुल फायर प्रूफ हो जाओगे सर। नहीं नहीं, फायर प्रोटेक्शन नहीं, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन है तो बता। नहीं सर, तो फिर मैं पिकेक्स ट्राई कर लेता हूं क्या मिलता है सर। आपके और टूल्स क्या हैं सर? टूल्स भी एक 30 लेवल मेरा ही है, तो मैं ट्राई करूंगा। हमें भी एक्सपीरियंस लेना है थोड़ा। इस तरफ होगा मिला मिला। मंत्र कौन पड़ेगा? मंत्र वाला तो चलेगा ना सर। फॉर्च्यून 3, ओ ओ ओ भाई ले लो, भाई ले लो। क्या मिला? सिर्फ फॉर्च्यून 3 मिला, चल कोई नहीं, बट ठीक है। अब मैं आ रहा हूं मंत्र पढ़ने वापस से। अभी ट्राई करके देख। हम ना लेवल 30 हटा देते हैं और देखते हैं कि आपके क्या कहते हैं इसे, कहां गया हमारा लापिस। सर आपको 24 लेवल एन्चेंटमेंट में प्रोटेक्शन 3 मिल रहा है, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? चलेगा प्रोटेक्शन 3 सर, चलेगा। प्रोटेक्शन 3 के साथ कुछ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिल पाएगा। अबे यार लूट लिया मेरे को, मेरे 5 डायमंड वापस दे यार, ये स्कैम हो गया। बॉस है मैं, क्योंकि सर आपको कॉम्प्लीमेंट्री चीजें थोड़ी कम मिली है, सो वजह से आपके लाइक वी विल स्लाइड सम बुक्स एंड अ कूपन टू बाय बुक्स। वो छुपचाप नीचे से भेज देना टेबल के नीचे। आपके सर तीनों चारों चारों गियर के ऊपर हम अपने तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री गियर अप्लाई करके देंगे, एक बुक सर। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए स्पेसिफिक कोई एन्चेंटमेंट आपके आर्मर पे लगा के दें आपको, एमरल्ड सर आपको आपको शेल आउट करने पड़ सकते हैं आपको। नहीं ओके व्हाटएवर, 15 में 15 का करके दे अच्छे से पहले। जब तक 15 में कुछ नहीं होएगा दूसरा डील नहीं करेगा सर। आपको हम कॉम्प्लीमेंट्री अनब्रेकिंग दे सकते हैं सर आपके वेस्ट पे।
चलेगा अभी शॉर्ट है नहीं पर पहले ये डिलीवर कर दो फिर आगे का डील देखेंगे सर आपके बूट्स के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री डेप्थ स्ट्राइडर 2 दे रहे हैं सर आपको डाल अब डाल दे और सर अबे सबवे सैंडविच बना रहा है क्या साले झूठ डाल के भेज दे जो मिल रहा है ये डालू वो डालू साले नहीं समझ रहा भाई सब डाल दे तू एंडिंग देते हैं तो मिलनी चाहिए ना यार किताब लगा ही रहे तो मेंडिंग तो लगानी चाहिए क्यों डरा रहा है भाई नहीं सच सही सही कह रहा है वैसे नवीन सही कह रहा है मेरा दरवाजे गायब हो रहे हैं अपने आप सर क्योंकि आप यू आर अ वेरी वैल्यूड कस्टमर एंड वी डू नॉट वांट टू लेट यू गो जस्ट लाइक दैट वी डू नॉट वांट यू टू बी डिसअपॉइंटेड इन अस तो व्हाट वी विल डू विल थ्रो इन एन एक्स्ट्रा लाइक व्हाट यू से इट बोलो मेंडिंग फॉर यू लाइक जस्ट फॉर यू सर स्पेशल फर्स्ट टाइम वी आर फर्स्ट कस्टमर सर ये सर्विस आप यूज कर रहे हमारे से जस्ट फॉर यू ओके सर थैंक यू थैंक यू मेंडिंग लाइक अप्लाई आपको खुद करना पड़ेगा बट वी विल हम दे देंगे आपको दैट्स ठीक है ठीक किताब बना के दे दे मैं खुद लगा ले हमने बहुत कुछ किया उसके बाद हम जब हमने वो डील की मैंने डील की साले ने 15 डायमंड लिए मेरे से मेरे आर्मर के लिए तो आई थिंक ऊपर आ चुके हैं और उससे पहले मैं ऊपर अपना सामान देखने जाऊँ मैंने ये एक छोटा सा चिकन फार्म बनाया मुझे समझ नहीं आ रहा अभी तक रॉ चिकन क्यों आ रहा है इसमें कुक चिकन भी आ रहा है और रॉ चिकन भी आ रहा है वो देखना पड़ेगा क्या अभी तक तो मैं कर रहा हूँ सस्ता सर्किट है डिस्पेंसर का खास नहीं और ये मेरा छोटू सा फार्म है ये सामान लेके आया नोविस थोड़े यहाँ पे ये नोविस के सस्ते शल्कर है तो ये अच्छा ये बड़ा वाला है ये नोविस के सस्ते शल्कर है क्योंकि अब तक शल्कर बॉक्सेस नहीं हमारे पास तो पर ये मेरा छोटू सा फार्म है पीछे यहाँ पे एक आयरन फार्म बनाने वाले हम शायद ये मैंने उगाए हैं मुझे पता लगा है कि अगर फूल के पास उगाते हैं तो ये अपने आप स्पॉन हो जाते हैं तो फूलों के पास स्पैम दिए पेड़ मैंने ये टावर अभी थोड़ा मॉडिफाई किया थोड़ा व्यू काफ़ी अच्छा है ऊपर से दिखा तो आपको तो पहले जाके देखते हैं मेरे डील का मॉल किधर तो मैंने एचके बोला था ऊपर जाके दे जाए मुझे आई थिंक वो आ चुका है और यू ये क्या सप्लीमेंट्स एचकेमेंट तो मेरा आर्मर आ चुका है फाइनली तो मैं ये अपना कचरा आर्मर फेंक सकता हूँ और ये क्या है कद्दू कट्टे अच्छा ये तो ये नोविश ने कुछ मुझे गोल्डन कैरेट दिए मेरे घोड़े के लिए और ये थोड़ा बहुत रल दिया है ये भी आई थिंक नोविश की तरफ से ही है ये मेरा टेबल है यहाँ पे यूजुअली केक होता है आज कल एमरल्ड आ रहे तो मैं डाल देता हूँ बापरे काफ़ी ज़्यादा एमरल्ड दिन हो इसने मुझे जाने में टाइम जाएगा बीच में रखते हैं टोटल अभी 64 एक और अच्छा 52 और 50 और डायमंड्स भी मुझे थोड़े मिले थोड़ा बहुत माइन किया था मैंने तो मैं सोच रहा था मैं कुछ ज़्यादा बनाया नहीं अभी तक ऐसे क्योंकि आस पास देखोगे तो बहुत कुछ देखने मिलेगा ये एक टावर है जो ऊपर अपना नेदर पोर्टल है और यहाँ आप देखोगे तो एक हॉट एयर बलून है तो आई थिंक इन लोगों ने ऑलरेडी बहुत कुछ बना लिया और दूर देखोगे आप तो एक दिखेगा आपको ये विंडमिल इसके नोइस के बिल्ड और मैंने अभी तक ज़्यादा कुछ बनाया नहीं है देख के पता लग ही गया होगा अब तक एक छोटा सा एक फार्म बनाया मैक्स तो मैं क्या बोल रहा था मैं भी कुछ बिल्ड करता हूँ फटाफट ठीक है तो अच्छा नहीं लग रहा है ठीक है ये लोग ने इतना बिल्ड किया मैं कुछ नहीं किया अभी तक ये ऊपर बर्फ़ कौन बना रहा है ये अब नेचुरल है वो सोच रहा हूँ मैंने ये जगह चुनी थी मैंने थोड़ा क्लियर किया बैठ के अभी तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कुछ बना लूँ छोटा सा कुछ तो लगे मेरे आसपास अराउंड कुछ तो अच्छा होना चाहिए तो स्टार्ट करते आ जाओ ऑलराइट बॉयज चलो स्टार्ट करते अपने बिल्ड के साथ ये एरिया चुना है मैंने यहाँ पे हमें एक छोटा सा जापानीज टेम्पल ऑब्वियसली एक यूट्यूब वीडियो देख के बनाएंगे इतना क्रिएटिव नहीं हुआ है तो अब लगाएंगे कुछ स्टेयर्स यहाँ पे
के बाद दो का तो इसको दो की हाइट देनी आती है। इनफ यूज कर लिया मैंने ऑलरेडी, थोड़ा स्टोन में एक्स लाए वैसे भी, तो भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो नीचे जो रहेगा पूरा बेस रहेगा एक बड़ा सा, और लगेगा टिंग टिंग टिंग। तो आई थिंक इतना इतना लेवल बहुत है, कुछ लगानी स्टेयर्स स्टेयर्स आई थिंक स्टेयर्स के दूसरी स्टेयर्स लगाऊंगा अभी। माइनक्राफ्टर्स भी लाइक अभी मैं थोड़ा कम ऑफ कैमरा करूँगा एंड ऑफ कैमरा वर्क पूरा कंप्लीट। मेरा बिल्ड फाइनली रेडी है, मैं कुछ लास्ट मिनट चेंजेस करने आया था इधर जैसे कि डेकोरेशन, बट ओविश ने डिसाइड किया कि यहाँ पे हम लामा पार्क करेंगे एंड आई थिंक अब से ये ऑफिशियली लामा टेम्पल है, पूजा करेंगे लामा का। Sorry, Lama Gods. Yep, the Lama Temple. So this is it for the video, boys. यही था आज हमारे episode 2 के लिए of Sasta Craft, और may the Lama Gods be with you. Arigato for watching. Bye bye.